गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय संत कबीरदास जी. इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स. उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ ऑफ कबीरदास जी. संत कबीरदास जी वॉज अ 15th सेंचुरी इंडियन मिस्टिक पोएट एंड सेंट. मिस्टिक पोएट उनको कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर थे हुज राइटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड हिंदुइज्म्स भक्ति मूवमेंट एंड हिज वर्सेस आर फाउंड इन सिखिज्म्स स्क्रिप्चर आदि ग्रंथ. हिज अर्ली लाइफ वॉज इन अ मुस्लिम फैमिली बट ही वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर द हिंदू भक्ति लीडर रामानंद. कबीर सजेस्टेड दैट True God is with the person who is on the path of righteousness. जो सच की राह पे है, गॉड उनके साथ है, ऐसा उनका मानना था. इसलिए वो कास्टिज्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे. वो कोई कास्ट को नहीं मानते थे. उनका बोलना था कि सोसाइटी अच्छी बनती है अगर सब इक्वल है तो, और सब सत्य की राह पे अगर चलते हैं तो. कबीर लिगेसी सर्वाइव्स एंड कंटिन्यूज थ्रू द कबीर पंथ, पाथ ऑफ कबीर. अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड. बॉर्न अनसर्टेन, ये निश्चित नहीं है. कुछ लोगों का मानना है कि वो 1398 या फिर 1440 में उनका जन्म हुआ था. और डाइड अनसर्टेन है ये भी. कुछ लोगों का मानना है कि 1448 या फिर 1518 में उनकी डेथ हुई थी. ऑक्यूपेशन था वीवर और वो पोएट थे. नोन फॉर इन्फ्लुएंसिंग द भक्ति मूवमेंट, कबीर पंथ. और उनकी कुछ लिखा, जो उन्होंने लिखा है वो आपको देखने मिलेगा गुरु ग्रंथ साहिब में भी. भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति अंडर रामानंद डिसिपल उनको बोला जाता है. पेरेंट्स की बात करेंगे तो नीरू उनके फादर का नाम और नीमा जो है उनके मदर का नाम है. इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स. For the priest, the warrior, the tradesman and all the 36 castes alike are seeking for God. It is but folly to ask what the caste of a saint may be. The barber has sought God, the washerwoman and the carpenter. Even Raidas was a seeker after God. The Rishi Sopcha was a tenor by caste. Hindus and Muslims alike have achieved that end where remains no marks of distinction. हम देखते हैं लाइन बाय लाइन इस पोएम का एक्सप्लेनेशन. इट इज़ नीडलेस. नीडलेस का यहाँ भी मतलब है मीनिंगलेस, पॉइंटलेस, मूर्खता, बेवकूफ़ी है कि हम अगर किसी सेंट को, सेंट का मतलब है यहाँ पे जो पढ़े लिखे है, लर्नेड पीपल है, समझदार लोग हैं, उनकी बात यहाँ पे कही जा रही है कि ऐसे लोगों को अगर हम कास्ट पूछते हैं तो ये बहुत ही मूर्खता वाला और बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन होता है, जो गलत है, नहीं पूछना चाहिए. कबीरदास जी कास्टिज्म के बिल्कुल भी विरोध में थे. उनका बोलना था कि अगर समाज में ऊंच नीच, छूत अछूत ऐसी अगर बातें होती हैं तो हम एक अच्छा समाज तैयार नहीं कर सकते हैं. कोई कास्ट एक दूसरी कास्ट से ऊपर नहीं होता है, कोई कास्ट नीचे नहीं होती है, सब समान होते हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए. सबका मकसद एक ही है कि हम अपना कर्तव्य करें, पूरी ईमानदारी से काम करें और हमें मोक्ष, सल्वेशन की तरफ देखना चाहिए. हमें गॉड की बातें करनी चाहिए, हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए. सीकिंग आफ्टर गॉड, सीकिंग फॉर गॉड का यहाँ पे मतलब है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है. हमारा एक ही मकसद है, मोक्ष, सल्वेशन. एंड ऑफ द डे ये नहीं देखा जाता कि आपकी कास्ट कौन सी है. एंड ऑफ द डे ऐसा देखा जाएगा कि आपने अपना कर्तव्य कितनी ईमानदारी से निभाया. सो इट इज़ नीडलेस. मूर्खता है, पॉइंटलेस है, मीनिंगलेस है अगर हम किसी सेंट को उसकी कास्ट पूछते हैं तो. फॉर द प्रीस्ट, कोई पुजारी, द वॉरियर मतलब लड़ने वाला सोल्जर, सिपाही, द ट्रेड्समैन मतलब कोई व्यापार करने वाला, एंड ऑल द 36 कास्ट. 36 बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है इन हिंदू मैथोलॉजी या फिर हमारे इंडियन मैथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि टोटल 36 कास्ट होते हैं. अलाइक आर सीकिंग फॉर गॉड, सबका एक ही मकसद है कि दे आर सीकिंग फॉर गॉड. दैट मीन्स वो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं.
वो सल्वेशन की तरफ जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, इसीलिए कास्ट की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वो अपने काम, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे हैं। इट इज़ बट फॉली टू आस्क व्हाट द कास्ट ऑफ अ सेंट में बी, इसलिए ये फॉली की बात है। फॉली मतलब है मूर्खता, फुलिशनेस, पॉइंटलेस, मीनिंगलेस, नीडलेस। द बार्बर हैज सॉट गॉड, कोई बार्बर की अगर हम बात करते हैं जो छोटा सा काम कर रहा है जिसे हम बोलते हैं नाई, द वॉशर वुमेन एंड द कारपेंटर, अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जो अपना कर्तव्य डेली की लाइफ में ईमानदारी से निभा रहे हैं, तो उनको कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है और उनको सल्वेशन मोक्ष की बातें सोचनी है। इवन रायदास ऑल्सो नोन एज रविदास वॉज अ सीकर आफ्टर गॉड, ये भी एक गॉड के डिसिपल्स थे। रविदास जी भी लोगों को मैसेज देते थे, तो उनका भी एक ही मकसद था, दैट ही वॉज अ सीकर आफ्टर गॉड। द ऋषि स्वाप्चा वॉज अ टेनर बाय कास्ट, सो सब लोगों का एक ही मकसद था कि हम अपना काम कर्तव्य ईमानदारी से करें, सोसाइटी को एक अच्छी जगह बनाएं। समाज अच्छा बन पाएगा अगर लोग लर्नेड हैं, समझदार हैं और अपना कर्तव्य अगर ईमानदारी से निभाते हैं, तो वो परमात्मा से जरूर जुड़ेंगे। हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक हैव अचीव्ड दैट एंड, एंड का मतलब है अल्टीमेट एंड, अपना डेथ। अगर एंड डेथ ही होता है तो फिर कास्ट का क्या यहाँ पे सवाल उठता है। डेथ के बाद आपकी कौन सी कास्ट है, किसे परवाह है, कोई नहीं पूछता है कि आपकी कास्ट कौन सी है आपकी डेथ के बाद। जब अल्टीमेट आपका डेस्टिनेशन वही है, तो फिर आप हिंदू है, आप मुस्लिम हैं, आप सिख है, आप जैन हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आपको अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना है। वेयर रिमेन्स नो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन, डेथ के बाद भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन सी कास्ट के हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा, हम लोग समान रहेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी एक ही आपको यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं। इनके सॉन्ग्स लिखे कबीरदास जी ने, उसमें से ये एक कुछ पंक्तियाँ ली गई है। इसमें कोई मीटर फॉलो नहीं हुआ है, कोई राइम स्कीम नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें लिखी गई है। यहाँ पर एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपना कर्तव्य निभाना है, आपको कास्ट की तरफ नहीं भागना है। अगर समाज को अच्छा बनाना है तो आपको कास्ट की तरफ नहीं जाना है। आपको नहीं सोचना है कि मैं कौन सी कास्ट में हूँ या फिर मैं किससे डील कर रहा हूँ वो कौन सी कास्ट का है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको ईमानदारी से सिर्फ काम करना है और एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि यू आर यूनाइटेड, यू आर इन द यूनियन टू गॉड, आप गॉड से परमात्मा से जुड़ चुके हैं और मोक्ष सल्वेशन की प्राप्ति जो है वो आपको मिल सकती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम बाय संत कबीरदास जी। थैंक यू वेरी मच।